कहते हैं कि औरतों में एक खास गुण होता है, उनका दयालु होना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जिसने देश की महिलाओं के सामने क्रूरता की एक अलग ही पहचान दिखाई है और जो ये साबित करता है कि अपराध जेंडर में नहीं फितरत में होता है। हम बात कर रहे हैं केडी केमपम्मा की। शायद आप में से बहुत से लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा या कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि नहीं जानते होंगे, लेकिन ये देश की एक जानी मानी पहली महिला सीरियल किलर है जिसने जो भी अपराध किए वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। जब केमपम्मा गिरफ्तार हुई तो वो 45 साल की थी और मीडिया ने उसे नाम दिया साइड नाइट मल्लिका, क्योंकि उसने कई औरतों को पोटेशियम साइनाइड देकर मार डाला था। उसकी शादी बहुत ही छोटी सी उम्र में एक टेलर के साथ हो गई थी, लेकिन सीधी सादी जिंदगी नहीं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। पहले उसने चिटफंड का बिजनेस किया लेकिन उसमें भी वो फेल हो गई। उसके बाद पति ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन 1999 में अपराध की दुनिया में दाखिल होने से पहले उसने छोटी छोटी नौकरियां की। लेकिन तब तक उसे ये समझ आ चुका था कि अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो कुछ बड़ा कांड करना होगा। अक्सर उसके टारगेट पर वो महिलाएं होती थी जो कि बेबस, लाचार, वैवाहिक जीवन से परेशान थी, क्योंकि मल्लिका ने हत्या और लूट का रास्ता चुन लिया था। 1999 में उसने सबसे पहले ममता राजन नाम की महिला को अपना शिकार बनाया और ये बात उसने खुद पुलिस को बताई। वो अक्सर महिलाओं को ऐसे ही टारगेट किया करती थी, उनको खाने पीने में साइड नाइट देकर मार देती थी और उसके बाद लूटपाट करके फरार हो जाती थी। साइड नाइट मल्लिका पूरे प्लानिंग के साथ अपने काम को अंजाम दिया करती थी। वो जिस किसी भी महिला को टारगेट करती, पूजा के दौरान उससे सज सवर कर आने के लिए कहती और बाद में उसे जहर देकर मार दिया करती थी। साल 2000 में भी उसने ऐसे ही किया, लेकिन जिस महिला को उसने टारगेट किया वो खुशकिस्मत थी जिस वजह से वो बच गई, लेकिन केडी केमपम्मा को 6 महीने की जेल हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद 2007 तक वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुकी थी। यही नहीं, साल 2008 में उसने 7 महिलाओं की हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने जब एक के बाद एक कई तार जोड़े तब जाकर पता चला कि इस पूरी वारदात को एक 45 साल की महिला ने अंजाम दिया। साइड नाइट मल्लिका ने अपराध की एक नई थ्योरी पेश की जिसने ये साबित कर दिया कि अपराध जेंडर में नहीं फितरत में होता है, क्योंकि उसे ना तो कोई ऐसी बीमारी थी, ना ही वो मानसिक रूप से परेशान थी और किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर भी नहीं किया था, लेकिन वो एक शानदार जीवन जीने के लिए कई महिलाओं को अपना शिकार बनाती रही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपराध जगत की ऐसे ही सेंसेशनल और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर।